हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम डाइवोर्स बाय कॉमन कंसेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम खुला, जिसे राइट ऑफ रिडेम्पशन भी कहा जाता है, इसकी बात करेंगे। खुला का जो इस्लामिक लॉ में लिटरल मीनिंग है वो है लेइंग डाउन या सरेंडरिंग। डाइवोर्स के कंटेक्स्ट में अगर इसे देखें तो खुला का मतलब होता है जहां हस्बैंड अपनी राइट्स ओवर दी वाइफ उनको सरेंडर कर देता है, उन्हें ले डाउन कर देता है। जब हम बोल रहे हैं एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर अपनी जो राइट्स एंड अथॉरिटी है उसे सरेंडर कर देते हैं, तो वैसे ही डाइवोर्स के कंटेक्स्ट में भी इसका कुछ ना कुछ असर देखा जा सकता होगा। और वही खुला के केस में सिनारियो है। यहाँ पर वाइफ अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा के अनुसार डाइवोर्स सीख कर सकती है, डाइवोर्स मांग सकती है अपने हस्बैंड से। लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? वाइफ की मर्जी होनी चाहिए कि उन्हें डाइवोर्स लेना है, और वो अपने हस्बैंड को एक ऑफ़र देंगी। ये ऑफ़र वो देंगी कि डाइवोर्स के बदले वो अपने हस्बैंड को कुछ कंसिडरेशन देंगी। अगर उनके हस्बैंड को ये ऑफ़र पसंद आती है और वो इसे एक्सेप्ट करते हैं तो मैरिज वहीं डिसॉल्व हो जाएगी एंड द मैरिज वुड एंड। और वाइफ को ज़रूरी होगा कि वो इद्दत परफॉर्म करे। यहाँ पर जो सेसेशन ऑफ मैरिज है ये इरिवोकेबल होगा, यानी कि अब इसे रिवोक नहीं किया जा सकता, इसे वापस नहीं लिया जा सकता खुला के केस में। और एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात, वाइफ ने प्रॉमिस तो किया था कि वो कुछ कंसिडरेशन पे करेगी अपनी साइड से, और हस्बैंड अपनी साइड से उन्हें रिलीज़ कर दें शादी के बंधन से। हस्बैंड ने तो उन्हें रिलीज़ कर दिया लेकिन वाइफ ने अभी तक अपनी कंसिडरेशन पे नहीं की है, तो क्या जो डाइवोर्स है वो इनवैलिडेट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। डाइवोर्स तो इरिवोकेबल था, अब वो पीछे नहीं जा सकते, डाइवोर्स तो होके रहेगा। लेकिन हस्बैंड अपनी वाइफ को सू कर सकते हैं कंसिडरेशन उनसे रियलाइज़ करने के लिए। सिंस आज हम डाइवोर्स बाय कॉमन कंसेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम खुला के बाद मुबारक को डिस्कस करेंगे। मुबारक भी डाइवोर्स बाय कॉमन कंसेंट की बात करता है। मुबारक का मतलब ही इस्लामिक लॉ में एक्ट ऑफ फ्रीइंग ईच अदर म्यूचुअली है, यानी कि दोनों पार्टीज़ मिलकर एक ऐसा कृत्य, एक ऐसी एक्ट करते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को आज़ादी प्रदान करते हैं। ये भी खुला जैसा ही है एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स थ्रू कॉमन कंसेंट। लेकिन खुला में जहाँ पर जो कंसेंट थी वो वाइफ ने एक ऑफ़र दे के डिराइव की हस्बैंड से, लेकिन मुबारक के केस में जो है वो कंसेंट दोनों की ही अवेलेबल है। किसी को एक दूसरे के कंसेंट डिराइव नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ कोई भी पार्टी एक दूसरे को ऑफ़र दे सकती है और सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाइफ ही ऑफ़र देगी और हस्बैंड एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ कोई भी ऑफ़र दे सकती है और कोई भी एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि ये म्यूचुअल डाइवोर्स इन रियल सेंस है। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती, दोनों ही अलग होना चाहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ऑफ़र दी जाएगी एक पार्टी के द्वारा और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, साथ ही डाइवोर्स विल कम इनटू इफेक्ट, मैरिज वुड सीज एंड वाइफ विल बी आज टू गो अंडर इद्दत। ये दो ग्राउंड थे खुला और मुबारक, डाइवोर्स बाय कॉमन कंसेंट इन मुस्लिम लॉ। आपको इस टॉपिक पर MCQs की PDF और मॉडल आंसर की PDF हमारी वीकली मैगजीन में मिलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर एनरोल कीजिए, और उससे पहले आप हमारे डेमो मॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेमो मॉक्स का, उन्हें देखिए और एनालाइज़ कीजिए, और पसंद आए तो पूरी सीरीज़ के लिए एनरोल करवाइए। वैसे ही बिहार जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी डेमो मॉक्स अवेलेबल है लिंक पर, उसे भी एनालाइज़ कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो उनके लिए भी एनरोल करवा लीजिए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।